देश की बात कर लेते हैं, राजनीति में जिस तरह बहुत कम महिलाएं हैं किताब लिखती हैं, आपने लिखी लाइफ अमंग द स्कॉर्पियंस, तो उसमें एक बहुत ही सबसे सवाल जो हमेशा उठता है कि क्या राजनीति में जो महिलाएं आती हैं उनको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे स्कॉर्पियंस से लड़ने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए? और हाँ बिल्कुल, महिलाओं का देखिए दो तरह के महिलाएं होती है, एक तो जो परिवारवाद से उठकर आए हैं जिनके पति या पिता या माँ पॉलिटिक्स में थी और अच्छे संपन्न लोग, तो कई लोग अभी फैमिलीज में हैं जिनकी उनकी माँ ढाई ढाई करोड़ के करोड़पति लोग हैं महिलाएं जी। तो आजकल मैं जब देखती हूँ अखबारों को कितना एसेट है किसी को भी, तो कम एसेट वाला बहुत ही कम लोग है, ज़्यादातर तो करोड़पति, हम तो लखपति भी नहीं हुए करोड़पति सब लोग बन गए। तो एक तो महिला को परेशानी है पैसे से जी, जब तक मजबूत परिवार संपन्न परिवार के मदद नहीं है या परिवार का नाम या जात के तौर पे, ऐसे महिलाएं जब आते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ममता बनर्जी ने भी बहुत मुश्किल सामना करना पड़ा, जयललिता भी, तो आखिर में वो मायावती भी, मैं उनके राजनीतिक समर्थन ना भी हूँ करती हूँ, लेकिन वो लोग सब परिवारवाद और पैसा से नहीं उभर के आए जी। सड़क में लड़के या धक्का खा के या कुछ भी करके सामाजिक अन्याय के कारण ये लोग उठकर आए हैं। तो कुछ लोगों का, ऐसे महिलाओं का रिएक्शन होता है थोड़ा सा डिक्टेटोरियल या एग्रेसिव बनना, लेकिन उससे जो महिलाओं के अंदर की जो मानवता है, ममता है, ग्रेस है और समझदारी है, आधा आबादी जब महिलाएं हैं तो महिला ही महिला को समझेंगे, महिलाओं के आवश्यकता समझेंगे जी। तो ये अगर महिला को राजनीति से वंचित कर दें और उनकी उनको करें तो भी बहुत ही पुरुष जैसे वो बन जाएं, तो ये समाज के हित के लिए नहीं है जी। लेकिन क्या पॉलिटिक्स में अगर महिलाएं आती हैं तो उनको खुद को चाहे अंदर से सॉफ्ट हो लेकिन बाहर से सशक्त ताकतवर ताकतवर होनी चाहिए, थोड़ा सा दिखाना, अब आवाज उठाना जरूरी नहीं है लेकिन खड़ा रहना बहुत जरूरी है जी। अब वो एक हौसला हिम्मत आपके अंदर कहीं से तो आना चाहिए, और नहीं आएंगे झुकेंगे तो फिर आपको जल्दी और भी झुका देंगे लोग जी। और ख़ासकर मैंने देखा है किसी भी काम में, जैसे मीडिया भी हो या बॉलीवुड में हो या कुछ भी हो, तो पुरुषों का बहुत एक इंटरेस्टिंग हथियार होता है कि महिला को या तो उनकी खूबसूरती या उनका कपड़ा या उनका बदशक्सूत सूरत भी हो जी, उस पर चर्चा करेंगे लोगों को डाइवर्ट करने के लिए जी। क्योंकि हमारे देखिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कितना लोगों को, महिलाओं को ऐसा समझा दिया कि जब तक आप पतली ना हो, लिपस्टिक नहीं पहनोगे, ये फैशन नहीं करेंगे जी, तो आप बेकार हो, एम्प्लॉयमेंट के लायक ही ना हो जी। टीवी वगैरह में खूबसूरत महिला चाहिए, पुरुष चाहे बुढ़ा दाढ़ी वाला हो कोई बात नहीं। तो ये फ़र्क तो माहौल में है, समाज में है, पूरे देश में बहुत कम देश है जिसमें महिलाएं बहुत आगे आके परवाह नहीं करते। मैं अभी तो देख रही हूँ अमेरिका में, देखिए 100 महिलाएं आ गए उनके कांग्रेस सेनेट में जी। और मगर सबको देखिए बहुत कम लोग हैं जो बदसूरत है जी, सब लोग अपना मेकअप करके बाल बना के सब कुछ करके आते हैं, तो उसमें पुरुष को नहीं करना पड़ता है, कोई भी कपड़ा पहन लो और उतर जाओ जी। महिला सज सज के जाएगी तो समय भी बर्बाद होता है, लेकिन बात यह है कि महिला क्या करेगी जनता के लिए जी। अभी जैसे विजय राजे सिंधिया या कोई ऐसी महिला, अभी ममता बनर्जी को देखिए, मायावती जब चीफ मिनिस्टर थी, महिला हो या पुरुष, आपको लोगों का विश्वास जीतना है जी। कि लोगों को परवाह नहीं है, पार्टियों के अंदर बहुत ही ये पुरुष प्रधान माहौल है जी, लेकिन जनता के बीच में मैं नहीं देखती हूँ जी। जनता के बीच में जब महिला खड़ी होती है तो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, और चिल्लाना और मोटा भाषण दे के किसी को गाली देना ये सब चीज़ जनता नहीं पसंद करते, महिलाएं आके सुनेंगे, आप उनका दिल छूने वाली बात अगर कहेंगे, अगर आप उनको विश्वास दिलाएंगे कि आप उनके लिए जो नीतियां चलाएंगे वो उनके हित में हो, तब महिला जीत कर आते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और कई साल तक राज करते हैं या अपना सीट को पकड़ के रखते हैं। तो
महिलाओं ने, अभी जो इनसिक्योर महिला है वो सजेगी और सोचेगी कि मैं क्या बोलूं और कैसे लग रही है ये वो, या परिवार के ऊपर भरोसा रख के या मतलब डिपेंडेंस रख के वो काम करेगी. लेकिन जो आगे बढ़ गई है और उनमें बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो सब महिलाओं को चाहिए, फिर आप क्या पहनो क्या नहीं पहनो, कैसे शक्ल है आपका, वो सब परवाह नहीं करता जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है और डर नहीं है कि आपको कुछ हो गया तो आप परेशान हो जाएंगे. जी तो पुरुष वही कोशिश करते हैं आपको डराना, आपको जी कमज़ोर बनाना. बिल्कुल तो उसके लिए छोटी सी बात भी कह दें तो कभी महिलाओं को चुभता है, तो वो चुभने नहीं देना चाहिए और वो आत्मविश्वास के साथ ही आप उसका सामना कर सकते हैं. जी जिस तरह महिला वोटर्स की हम को देख रहे हैं, बहुत बढ़ चढ़ के आ रही हैं, ज़्यादा संख्या में वोट कर रही हैं, और जिस तरह आपने बोला कि जब महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात करती हैं तो सुनते हैं लोग, और महिलाएं भी उनमें सुनती हैं, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर महिलाएं वोट करने जाती हैं, तो इसमें एक ये बात भी आती है कि आर्थिक सशक्तिकरण बहुत बड़ा एक ऐसा पैरामीटर होता है जो महिलाओं को अपने विचार या अपने खुद को एक अपनी ओपिनियन अपनी राय रख पाएँ वो घर में. आपने ग्रामीण इलाकों में भी गई, वहाँ भी आपने देखा होगा कि, और कुछ मंचों पर मैंने ये भी सुना कि महिला अगर कहती है कि घर में अगर वो पुरुष के मुताबिक वोट ना करे तो शायद उसको घर में ना रहने को मिले. तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये मुद्दा बनाना चाहिए कि प्रॉपर्टी ओनरशिप जो महिलाओं के नाम पर नहीं है उसको एक मुद्दा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये उसकी डिग्निटी से भी जुड़ा मुद्दा है. ये सब तो चाहिए, लेकिन अभी भी राजनीति में जेंडर से ऊपर है कास्ट. जी दलितों के ऊपर अन्याय, माइनॉरिटीज़ के ऊपर अन्याय, आदिवासियों के ऊपर अन्याय ज़्यादा महत्व रखता है. जी महिलाओं के ऊपर अन्याय पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बन रहा है. जी अब शायद इस सरकार ने अब ट्रिपल तलाक को कर दिया है एक महिला मुद्दा, मगर वो भी उसमें भी एक राजनीति है, महिला के न्याय के लिए नहीं है लेकिन एक माइनॉरिटी इश्यू है. जी तो मुझे लगता है कि महिला अभी भी महिलाओं के गैर बराबरी, आर्थिक कमज़ोरी या आवाज़ मजबूत नहीं होने का, ये सब चीज़ पर लोगों ने अभी तक उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया ही नहीं. जी तो कहीं ना कहीं अगर आप दलित राजनीति की बात करें तो वो भी पेट्रियार्की से फ्री नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं है. विधानसभाओं में देखें हाँ SC ST की जो रिजर्व सीटें हैं वो क्या अपनी महिलाओं को वहाँ लाते हैं, या पार्लियामेंट में जो SC ST की रिजर्व सीटें हैं क्या वो अपनी ओबीसी, महिलाओं को लाते हैं. ओबीसी तो के अगर बाद नहीं भी है तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से ये जो इमेज निकल के आती है वो महिलाओं के पक्ष में तो आती नहीं, विरोध ही नहीं दिखता नहीं है. नहीं और जो विमेन्स रिजर्वेशन की बात जब आती है जी तो क्यों मोस्टली ओबीसी ओरिएंटेड पार्टीज उसको उसका विरोध करते हैं, जी क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये रिजर्वेशन आ गया तो ऊंचे जात की महिलाएं आ जाएंगे पार्लियामेंट में. जी तो ये तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. अभी देखो तो ऊंचे जात के इतने लोग नहीं हैं, और वो ही पार्टी जिन्होंने इसका विरोध किया उन्होंने राज्यसभा में ऊंचे जात के महिलाओं को सीट दे दिया, जी खुद ही उसका विरोध करके खुद ही दे दिया. तो मुझे लॉजिक पता नहीं है, लॉजिक यही है कि महिलाओं को पार्लियामेंट में ना आने दे, फिर जातिवाद को बीच में से लाके उसको कमज़ोर कर देते हैं उस मांग को. तो तो एक तब तरह से भी जातिवाद सबसे ऊपर है अभी भी. तो कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा जाना चाहिए, अगर आप जाति की बात ही कर रहे हैं तो आप बताइए कि आपने विधानसभा में और संसद में जो रिजर्व सीटें हैं उस पर आप कितनी महिलाओं को लेकर आए. वही पूछना तो चाहिए, लेकिन जो एक और चीज़ भी है कि जो संसद के अंदर महिलाएं हैं वो बिना रिजर्वेशन से आ गई हैं, जी वो ये सवाल को नहीं उठाते. उठाने वाले बाहर जो पार्टियों में ही नहीं है, NGOs वगैरह इस बात को उठाते हैं. जी और मैं हमेशा इन NGOs को कहती हूँ कि आप भी कभी पार्टी में जुड़िए, जी पार्टी के अंदर का माहौल देखिए, उसको सुधारने की कोशिश करिए और वहाँ दबाव डालिए. अगर महिला पार्टी में नहीं आएंगे ये कह करके पार्टियाँ गंदी है, पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे नहीं है या माहौल भ्रष्ट है खराब या है. कुछ है, तो ये माहौल ठीक करने वाला वो लोग खुद थोड़ी होंगे. जी
खुद तो महिलाओं को ही आगे आके आना चाहिए, उसी के लिए वहाँ से हिम्मत करना शुरू करो। अब जनता के सामने क्या कैसे जाएंगे जब आप पार्टी के अंदर जाके खड़े नहीं हो सकते अपने लिए। जी, तो क्योंकि हम देखते हैं वर्कर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो बहुत ही कम महिलाओं को टिकट दिए जाते हैं। जितने भी विधानसभा चुनाव हम देखें, चाहे नेता ये बात कर लें कि हम आधी महिलाओं को अगर हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो ना के बराबर नहीं देते। दो कारण है, एक तो है ही ये पुरुष प्रधान समाज का मानसिकता, दूसरा है कि महिलाओं को उनके अपने पैसा होता नहीं है जी, अनुभव भी इतना नहीं है क्योंकि अनुभव का मौका नहीं दिया जी, और फिर दूसरा परिवार एक पुरुष को लड़ाने के लिए पैसा दे देंगे, महिला को क्यों परिवार पैसा निकाल के जमीन बेच के एक महिला को खड़ा करो जी। कभी कभी पुरुष जमीन भी बेचने करते हैं या कुछ भी करके परिवार उनके लिए पैसा बिजनेस होगा किसी का और पैसा जुटाने का रास्ता है। महिलाएं जाके हर दरवाजे में खटखटा के मुझे एक चुनाव लड़ने के लिए पैसा दो, हो सकता है जी? मुश्किल है महिलाओं के लिए। तो ये भी होता है कि उनके नाम पर उनकी छत भी नहीं होती, तो उनको वो भी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी होती है। हाँ। आर्थिक सशक्तिकरण जो है तो समाज में इतने इतने स्तर पे अंतर्विरोध है कि वो सब धीरे धीरे एक एक स्तर को ठीक करने के लिए समय तो लगता है। कोई ऐसा फरमान तो निकाल के कोई नहीं बोल सकता जी, वो तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं कर सकते। और बात तो यही है, सारे दुनिया में कोई एक दो स्कैंडिनेवियन कंट्री हो या कोई हो जिसमें महिलाओं के और पुरुषों के राजनीति में बिल्कुल बराबर है, या महिला शायद आगे भी हो। जापान में बहुत बुरा हाल है जी, ऐसे देशों में अभी तक मानसिकता पुरुषों का नहीं बदला। तो इसलिए यहाँ भी बदलने के लिए समय लगेगा, लेकिन महिलाओं के अंदर इससे लड़ने के लिए ताकत नहीं है तो फिर क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या देश को चलाएंगे, क्या नीतियों को चलाएंगे। मौका पार्टी के अंदर बनाना चाहिए, तो पहले पार्टी में आ जाए। क्योंकि वर्ल्ड एवरेज में भी देखें तो जिस तरह से भारत में पार्लियामेंट में महिलाओं की स्थिति है, 12% ही चुनकर आई हमारी 16वीं लोकसभा में भी, और 12% से भी कम रही, और विधानसभाओं में भी करीब 9% है, तो वर्ल्ड एवरेज का आधा ही है मुश्किल से। और भारतीय उपमहाद्वीप में भी महिलाएं जो हैं उनकी जो राजनीति में स्थिति है वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत पीछे हैं हम। तो कहीं ना कहीं अब अगर माहौल तैयार करना है महिलाओं के लिए कि वो राजनीति में आए, तो शुरुआत कहीं ना कहीं परिवार से होनी चाहिए, स्कूल से, कॉलेज से होनी चाहिए, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो कहते हैं। परिस्थिति से लोग दब जाते हैं, जैसे कि नागालैंड में देखिए जी, नागालैंड वैसे तो बहुत प्रोग्रेसिव है, अंग्रेजी बोलेंगे, जीन्स पहनेंगे, गाना गाएंगे वेस्टर्न टाइप, ये सब है जी, लेकिन महिला हमारे संस्कृति में महिलाओं को पब्लिक लाइफ में आना बना वो लोग नहीं देते। तो कुछ कुछ अपने अब मुसलमानों ने भी मुझसे कहा है, जो पार्टी में थे पुराने जनता पार्टी जनता दल में, मुझसे कहते थे हमारी पार्टी के नेता कि हम अपने महिलाओं को अपना धर्म को नहीं खराब करने देंगे उनको पार्लियामेंट में जाके। धर्म क्या खराब होता है जी? धर्म में इसलिए कि पुरुष ने ट्रांसलेट कर दिया कि बुर्का पहनो, घर में रहो, बच्चा पैदा करो और हमारी बात सुनो, तो वो धर्म नहीं है जी। लेकिन उसको एक धार्मिक रूप बना दिया गया है, इसीलिए तो सीरिया और ऐसे इस्लामिक कट्टर इस्लामिक देश में सऊदी में महिलाओं को या तो गाड़ी नहीं चलाने देते हैं या पूरा कपड़ा नहीं पहनने देते हैं, और क्या क्या महिलाओं के ऊपर शोषण होता है वो तो उसको धार्मिक बना देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी ने उनके धर्म में कहा होगा कि महिलाओं को दबा के रखो जी। लेकिन धर्म के नाम से दबा ही देते हैं, कोई भी नागालैंड कहेंगे संस्कृति, ये लोग कहेंगे धर्म जी। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि हम वो दरिया हैं जिसमें हुनर बहुत है, जिस तरफ रुख कर लें रास्ता बना लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जया जेटली जी हमसे चर्चा करने के लिए, महिलाओं की राजनीति पे, देश की राजनीति पे और बहुत सारे विषयों पर, और अपने जो आपके विचार हैं राजनीति पर, और इतना लंबा सफ़र जो आपने राजनीति में तय करा उस पर अपने विचार हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।